राहुल, आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए और एक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है भगवान बुद्ध से जानिए गांठ क्या होती है। तो दोस्तों, हम चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। उसके पहले आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ लेकर आते हैं। तो चलते हैं दोस्तों कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय। गांठ। एक दिन बुद्ध प्राप्त भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में प्रतीक्षारत उनके शिष्य यह देख चकित हुए कि बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध के हाथ में रुमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ विशेष प्रयोजन होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे। उन्होंने किसी से कुछ न कहा और रुमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। सब उपस्थित रहे, देख मन में सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे, क्या कहेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे ये बता सकता है कि क्या ये वही रुमाल है जो गांठें लगने के पहले था। शारिपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। एक तरह से देखा तो रुमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखा तो पहले इसमें 5 गांठें नहीं लगी थी। अंत यह रुमाल पहले जैसा नहीं रहा, और जहाँ तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, वह अपरिवर्तित है। इस रुमाल का केवल बाह्य रूप ही बदला है, इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। तुम सही कहते हो शारिपुत्र, बुद्ध ने कहा। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर बुद्ध रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है शारिपुत्र, इस प्रकार खींचने पर क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन और सूक्ष्म बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेगी, शारिपुत्र ने कहा। ठीक है, बुद्ध बोले, अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। शारिपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि ये गांठें कैसी लगाई गई है। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। तुम सत्य कहते हो शारिपुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना सबसे आवश्यक है। आधारभूत प्रश्न यही है, जिस समस्या में तुम पड़े हो उसे बाहर निकालने के लिए ये जानना जरूरी है कि तुम उसे ग्रस्त क्यों कर हुए। यदि यह बुनियाद में मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट अधिक गहराएगा। लेकिन विश्व में सभी ऐसा ही कर रहे। वे पूछते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, परिग्रह आदि वृत्तियों से बाहर कैसे निकले, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि हम इन वृत्तियों में कैसे पड़े। आपको हमारी कहानी कैसे लगी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पे सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू।